हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज एक वीडियो डालती हूँ, तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें। एक टेबल स्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ, 5-6 काली मिर्चें डाल रही हूँ, एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ये मैंने 150 ग्राम पालक लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, पानी से अच्छी तरह से धो के फिर इसको चॉप किया है। आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पालक के सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए पालक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। गैस को बंद कर दूंगी और इसके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी मिक्सी में प्यूरी बना लूंगी। ये देखिए जो मैंने प्याज और पालक को ब्लांच किया था, ये तेज पत्ता मैंने इसमें से निकाल दिया था और इसकी प्यूरी बना ली है। अब इससे मैं सूप तैयार करूंगी। अब जिस भी बर्तन में आपको सूप बनाना है वो ले लें। 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। मैदा की जगह आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं, गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको ध्यान से बनाएं, गुठली नहीं पड़नी चाहिए। इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमारी व्हाइट सॉस पक गई है। अब जो प्यूरी बनाई थी पालक की वो इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मेरा बटर अनसॉल्टेड था, अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक बहुत ध्यान से डालें, पालक वैसे भी नमक बहुत कम लेता है। अब इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे। सूप में उबाल आ गया है, अब इसको बस 1 मिनट तक उबालेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, अगर आपको गाढ़ा पतला जैसे अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। हमारा क्रीम ऑफ स्पिनच सूप बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी, गैस को बंद कर रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम से डेकोरेट कर देंगे। लीजिए बनके तैयार है हमारा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीम ऑफ स्पिनच सूप। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से पिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।